وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله. लेन देन करो तो गवाह बना लिया करो गवाह बनाया करो वाला युवा थी बनो वाला शहीद लिखा भी करो गवाह भी बनाया करो लेकिन गवाह को भी गन पॉइंट पे साइन मत करवाओ लिखने वाले को भी गलत ना लिखवाओ अगर तुमने ऐसा किया तो तुम गुनेगार हो जाओ अल्लाह से डर जाओ यहां रुक के मैं एक अदबन गुजारिश करूंगा तिजारत नबूवत का छियालीस व हीसा है मुस्लिम सदुक अल अमीन ताजर मुसलमान صادق अमीन तयमत के दिन नूर के मिंबरों और टीलों पे होंगे अम्बिया और सिद्दीकीन के साथ होंगे जिस काम को करने जा रहे हो वो हलाल का काम हो हराम का काम ना हो और तीसरी बात उस वक्त तक कोई सौदा तय ना किया करो जब तक लिख ना लो और गवाह ना बना लो सलाह सुदाव तीन ऐसी दुआएं हैं ला सुन लुस्त तीन ऐसे लोग हैं जिनकी दुआओं को अल्लाह सुनते नहीं है सारी रात वो सजदे में पड़ा रहे दुआ नहीं कबूल होगी रजुल دين فلم يشهد عليه जिसने किसी से लिया और दिया और गवाह नहीं बनाया ये सजदे करता रहे इसकी दुआ को भी कबूल नहीं किया जाएगा और चौथी बात जिंदगी में तिजारत में झूठ ना बोलो और धोखा ना दो जो इन चार चीजों को समझ लेता है और पांचवी चीज को साथ मिला ले। में आता है जब सौदा हो रहा होता है शैतान भी बैठ जाता है। शैतान शरीक होता है सदका। इस शैतान की शरारत और वस से हथकंडों से बचने के लिए इसका मुंह बंद करने के लिए डील करते वक्त सदका करो आगे पीछे तो करते ही हैं उस वक्त सदके की नीयत करो सदका करो ताकि होने वाले कारोबार में जिंदगी में कभी शैतान अपना हिस्सा ना डाल सके अल्लाह जलाल जो सादिके ताजर हैं उनकी हिफाजत फरमाए और उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए और मैं जानता हूं मेरी आंखों के सामने वो बातें सुनते वक्त और वो लोग भी आते हैं जिनको अल्लाह ने यह सलाहियत दी है वो जहाँ तिजारत में अपना एतमाद रखते हैं वहाँ वो सफ़े अव्वल के नमाजी भी हैं और वो सच बोलते हैं कसर ऐसे और पैदा फरमाए और जो भूले हुए हैं उन्हें सिरात मुस्तकीम नसीब फरमाए